बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ प्यार नाज़रीन। आज मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ, न्यू व्लॉग के साथ। न्यू व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है आपने। और आज मुझे सब ने गैस करके ये बताना है कि आज मैं कहाँ पर बैठी हुई हूँ और किस को खाना बना के दे रही हूँ। आप सब ने ये जो है ना इस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। आज का हमारा छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दिया करें। और ये देखें किसका घर है और कहाँ पे मैं गई हुई हूँ और किन के घर में खाना बना रही हूँ, ये आपने गैस करना है और मुझे ज़रूर बताना है। साथ में ये भी आपने बताना है कि मैंने क्या बनाया। ये तो आपको पता चल ही गया होगा, रात का टाइम है। और ये देखें, अच्छा जी, जो मेरा व्लॉग देखते हैं उन सबको तो पता चल गया होगा, तो जो न्यू हैं उनको नहीं अभी पता, उनको मैं बता दूंगी इंशाल्लाह कमेंट्स में। और कुछ थोड़ा सा मैं आइडिया भी आपको दे देती हूँ कि ये साथ जो मेरे बैठे हुए हैं, ये मेरे छोटे भाई हैं और मैंने खुद ही आपको बता दिया है। चलें आप गैस करेंगे फिर मुझे बताएंगे। अच्छा जी, साथ में ये देखें जी, हम ना बैठे हुए हैं भाई के घर, उधर हमारी दावत थी और मियाँ साहब जो है वो कमरे में बैठे हुए हैं। पहले भी जो व्लॉग हमारा देखते हैं उन्होंने देखा होगा कि इसी तरह हम जब जाते हैं। उसके बाद जी हम आ गए थे रात को घर, सुबह का टाइम है और सुबह सुबह मैं उठी हूँ। सबसे पहले जो मैंने ना स्पेशल जो है ना ईद की जो है ना सफाइयाँ वो शुरू कर दी हैं, तो मैंने सोचा कि चले क्यों ना आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं होता कि बंदा जो है छोटे छोटे काम जो होते हैं ना घर के, ये सब को सब देखते हैं। इसी तरह मैं भी देखती हूँ। ये देखें हमारे ड्राइंग रूम का भी जो है ना मॉल थोड़ा सा ख़राब किया हुआ है। मैंने क्यों किया हुआ है, ये मैंने आपको बताया था कि हमने घर में छोटी सी मिलाद करानी थी, उसके वजह से घर में जगह नहीं थी। मैंने फिर ड्राइंग रूम जो है ना वो खाली किया करके उसमें मैंने जो है चटाइयाँ वगैरह डाल के, क्लीन वगैरह डाल के उधर ही हमने जो है ना काम करना था। वो तो मैंने व्लॉग आपके साथ कोई नहीं शेयर किया क्योंकि इंशाल्लाह आगे जाके वो भी करूँगी। उसके बाद जो जिससे ये सारी चीज़ें हैं ये अपनी जगह पर जा रही हैं क्योंकि ड्राइंग रूम मैंने खाली करके जो मेरा काम था वो मैंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद ये ड्राइंग रूम के बाहर मैंने निकाले हुए थे, हाल में रखे हुए थे, इनको दोबारा मैंने उधर ही रख दिया। और ये सपना मेरे साथ लगी हुई है और बहू भी लगी हुई है, सब मिलके हम जो है ना आज दोबारा से जो है ना ये दौड़े लगा रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल काम था। मैंने तो कहा था कि मियाँ साहब आते हैं उनको बोलेंगे। हमने इधर जो है सोफ़े को जो है ना, ये सोफ़ा हमारा जो है ना इधर नहीं था, आगे जा रहा, बड़ा मुश्किल हो गया था। फिर मैंने सोचा था कि मैंने कहा चलें क्या करें, अब मुझे समझ नहीं थी आ रही क्योंकि जिस तरह ये निकाला था ना उसी तरह सेम इसको उठा के ना, ये जो बड़े वाला सोफ़ा होता है ना इसको थोड़ी सी मेहनत के साथ जो है ना कमरे में रखना पड़ता है। तो मुझे जेहन में नहीं था रहा, मैंने पहले जो है ना सपना को बोला कि इसको आगे से जो है ना उठाओ, लेकिन ये जो है ना सीधा वापस जाएगा, फिर ये जो है ना कमरे में जाएगा। अभी ये देखे मेरे, मैं वैसे ही ज़ोर लगा रही हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, बड़ा मुश्किल होता है। आप सब तो कहते हैं ना कि बस ये काम करने के लिए ये चीज़ें इस तरह जो है ना व्लॉग आप बनाते हैं, ये काम जो है ना बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता कोई भी काम है ना, वो घर में करने के लिए ना थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है ना। उसके बाद ये देखें जी, चीज़ें अपनी अपनी जगह पर आ गई हैं। हाल में मैंने रखे हुए थे सोफ़े तो वो मैं ले गई हूँ ड्राइंग रूम में, और इधर इसी स्टैंड रख दिया, और ये साथ में चारपाई हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे ये चारपाई मैंने नीचे इसलिए रखी हुई थी कि जब मेरे अब्बू जी आते थे तो उनके लिए मैंने स्पेशल ये जगह जो है ना उनके लिए बनाई हुई थी। तो अब जब भी जो है ना ये मैं चारपाई की जगह आती हूँ ना या जगह ये सेट करती हूँ तो मुझे अपने अब्बू की जो है ना याद आ जाती है। क्यों आ जाती है कि ये चारपाई की स्पेशल जगह मैंने उनके लिए बनाई थी क्योंकि ये जगह चारपाई के लिए ही मैंने इतनी जगह छोड़ी हुई है। इधर जो है ना चारपाई बस आती है, उसके अलावा जो है ना ये देखें जी, अब समझ नहीं थी आ रही कि क्या करें। आप सब कहते हैं कि सफाइयाँ सफाइयाँ सफाइयाँ, जब भी घर का थोड़ा सा सेटिंग कर लें या अच्छी तरह क्लीन कर लेना, तो आजकल मौसम है या तो फिर बारिश आ जाएगी या फिर देरी आ जाएगी, इसी तरह ही है। अभी ये पर्दे वगैरह जो है ना वो बाद में मैंने वाश करने हैं, अभी काम तो बहुत ज़्यादा है। ईद के जो दिन है बिल्कुल काम है, मैंने कहा चलें जो जितना होता है ना उतना कर लेते हैं। उसके बाद गर्मी की वजह से ना काम करने को दिल ही नहीं करता। ये देखें जी, इसके बाद चीज़ें सारी घर में बिखरी पड़ी हुई हैं, और ये देखें कुछ जो है ना चीज़ें वाश करने वाली हैं, कुछ कपड़े वगैरह वाश करने वाले हैं,
इसी तरह बस साथ साथ ये चलता रहेगा, तो इंशाल्लाह जो है ना ये छोटे छोटे काम तो होते ही रहेंगे। आज मैंने सोचा था कि चलें क्यों ना जो है ना सबसे पहले ये चीज़ें जो है ना अपनी अपनी जगह पे चली जाएं तो अच्छी लगती हैं। ये चार पाई हैं, इसको मैंने इधर डाल दिया, इसके ऊपर जो है ना बस ऐसे कुछ सोना तो होता नहीं है, बस ऐसे कुछ चीज़ें वगैरह रख देते हैं, या हाल में ना बस जगह थी तो मैंने सोचा कि चलें ये रख देती हूँ। और साथ में ये जो मैंने नए पीड़े लिए हैं वो मैंने रखे हुए हैं, पता नहीं आपको आप इसको क्या कहते हैं, मुझे मैं तो इनको जो है ना पीड़े ही कहूँगी क्योंकि सब पीड़े ही कहते हैं। तो ये जो हमने न्यू लिए हैं जो कि मेरे पहला व्लॉग देखते हैं उनको तो पता चल गया होगा, और जो न्यू हैं उनको नहीं है पता। तो ये मैंने कमरे में रखे हुए थे, उधर से ले कर हम वापस आ गए हैं, इधर हाल में ये प्यारे लगते हैं तो इधर ही मैंने रख दिए हैं। और इसके आगे साथ ही पहले इधर चेहरे पड़ी होती थी, और अब जो है ना ये दो पीड़े रख दिए और साथ में टेबल रखा है, साथ में दो चेहरे रखेंगे, बस सुबह नाश्ता इधर हम बैठ के करते हैं। तो आज का छोटा सा व्लॉग हमारा अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें, बताया करें ज़रूर। ये कुछ कपड़े हैं जो कि छत पे रखने वाले हैं, और एक ये जो है ना अब मैं आ गई हूँ अपने कमरे में, तो अपने कमरे में जो है ना बस अपने कमरे में इसी तरह जो चीज़ें जो है ना सारी बिखरी पड़ी हुई हैं। यकीन करें कि एक दिन मैं कहती हूँ, पता नहीं कैसे लोग कहते हैं कि घर के काम जो है ना ख़त्म, हम तो नहीं करते, इतने काम आप करते रहते, हमारे तो घर के काम जो है ना बिल्कुल ख़त्म ही नहीं होते। पिछले महीने मैंने जो है ना गंदम साफ़ की थी, बस साफ़ है बिल्कुल, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि अब तो मशीनें हो गई हैं उससे साफ़ करते हैं, बिल्कुल साफ़ है। बस मैं अपने तसल्ली के लिए ना इसको बस थोड़ा सा जो है ना ऐसे देखती हूँ, इसके अंदर कोई मिट्टी वगैरह या छोटा मोटा कोई होता है ना कंकर रह जाता है वो मैं देखती हूँ, बस और कुछ भी नहीं होता। तो एक महीने के लिए हम जो है ना वो गंदम लेके उसको आटा बनवा लेते हैं, तो फिर पूरा महीना जो है गुजर जाता है बड़े अच्छे तरीके से। तो इसके बाद जो है ना आ गई जी माशाल्लाह जी फ्रिज की बारी, वो मैंने काम ख़त्म किया, अब इसके बाद जो है ना फ्रिज की बारी आ गई। फ्रिज से मैंने सारी चीज़ें निकाली, मैंने कहा चले काफ़ी दिन हो गया, जगह जो है ना नहीं थी फारग, इस वजह से जो है ना फ्रिज को भी नहीं था देखा। अब जो है ना फ्रिज को वॉश करती हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने निकाल के बाहर रखी हुई हैं, इसको बस अच्छी से तरह कपड़े के साथ ना सर्फ लगा के इसको वॉश करूँगी, और इसके बाद सारी चीज़ें जो है ना ये अपनी अपनी जगह पर रख देंगे। और ये पाइप मैंने पकड़ लिया है तो इसको अच्छी तरह वॉश करते हैं। ये देखें जाली को मैंने लगा के ना सर्फ, तो मेरे पास एक छोटी सी तपड़ी है जाली की, तो उसको लगाएंगे सर्फ लगा के अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। तो ये देखें जी फ्रिज जो है ना बिल्कुल मैंने एक दिन पहले ही साफ़ की थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलें क्यों ना जो है ना आगे आगे से, कल मैंने आपको बताया भी था कि अगले व्लॉग में मैंने जो है ना फ्रिज को अच्छी तरह वॉश करना है। तो ये मैंने जी ये देखे जी काट दी है, इसको अच्छी तरह सर्फ के साथ मैंने जो है ना कपड़ा लगा के सारी को मैंने साफ़ कर दी है, तो बड़ी अच्छी सी साफ प्यारी सी हो गई है। और इसके बाद ये देखें जी ये जो छोटा छोटा काम होते हैं ना इनको बस देखते रहें तो ये होते रहते हैं, अगर ना देखें एक दिन भी ना करें तो ये बस रुक जाते हैं। तो इसलिए मैं जो है ना कुछ दिनों बाद ये चेक कर लेती हूँ। अब फ्रिज साफ़ की है तो सारा पानी घर में बिखर गया, मैंने कहा चलें आगे आगे से ना पानी लगा के हल्का सा जो है ना घर को जो है ना वॉश कर देती हूँ, बस यहाँ से ले कर बस गराज तक ही जो है ना वॉश कर दूँगी, क्योंकि कुछ दिन हैं तो फिर आगे ईद भी है, ईद की तैयारियाँ जो है ना कुछ कुछ साथ साथ ये भी चल रही हैं। इसी तरह बस छोटे 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 काम, आपको पता है कभी कभी मोबाइल चली जाती हूँ। आज मेरी जो है बहू को बड़ी सूझी हुई है, वो कहती है कि मामा आज मैंने काम करने, मैंने उसको बोला भी है रहने दो मैं करती हूँ, कहती है नहीं मैं करती हूँ। अच्छा जी बस काम तो इतना ही था जो कि मैंने कर लिया है। ये देखे उल्टी पुल्टी आज वीडियो बन रही है क्योंकि गंदम मैंने पहले साफ़ किया है, वो अभी पड़ी हुई है, मुझे लगता है वीडियो आगे पीछे हो गई है। चले कोई बात नहीं, एक ही बात है। उसके बाद ये देखें जी ये कुछ मैंने जो आपको दिखाए हैं कि उसकी शाल की पुप्पो ने उसके लिए कुछ फ़्राकें भेजी हैं बना के, तो वो इधर रखी हैं, इनको अभी जो है ना कुछ पता नहीं क्या कह रही थी, पीको वगैरह कराने वाली या वरलाक कराने वाली, वो करवाएंगे इंशाल्लाह सुबह, तो वो फिर मैं इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाऊँगी। अच्छा जी उसके बाद अब जो है ना घर माशाल्लाह कुछ लग रहा है कि ये वाकई ना मेरा ही घर है। इसके बाद जी मैंने जो है ना आगे आगे से बहू ने वॉश कर दिया था, उसके बाद जी मैंने जो है ना बस इतना किया कि डस्टिंग सारी घर की है,
डस्टिंग के साथ साथ ही आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त। आज का हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया मेरे उन बहन भाइयों का जो कि मेरा व्लॉग देखते हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अपना कीमती टाइम निकाल के तो मेरा व्लॉग देखते हैं। बहुत शुक्रिया जी।